गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो ये आपकी ट्रांसलेशन की क्लास है। आज हम ट्रांसलेशन की क्लास में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे, किस तरीके से हम उसके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की को हम पहचानते कैसे हैं, रहा है, रहे हैं, रही हूँ, रहे हो। जब कोई काम कंटिन्यूटी में चलता है तो उसमें कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस। अब उसके पॉजिटिव सेंटेंस बनाने सीखे थे हमने, सब्जेक्ट, एस आर एम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई एन जी और ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट, एस आर एम और यहाँ पर बस नॉट लगा देंगे, ठीक है। तो नॉट लगाने से ये नेगेटिव सेंटेंस में चेंज हो जाएगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी और ऑब्जेक्ट, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाना देखते हैं कि हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। देखिए, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने का क्या रूल होता है, आर एम इस जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सबसे आगे लग जाती है, ठीक है। फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आई एन जी और फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर इंटरोगेटिव वर्ड है तो क्या होता है, यहाँ पर जो भी इंटरोगेटिव वर्ड होता है वो लग जाता है, जैसे वाई, वेर, हु, तो इंटरोगेटिव वर्ड लग जाता है। फिर आर एम इस हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आई एन जी ऑब्जेक्ट और फिर सब ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की यही पहचान होती है, जिन सेंटेंसेस में क्वेश्चन मार्क लगा होता है उन सेंटेंसेस में हम इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। चलिए अब हम कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की हिंदी बनाना इंग्लिश बनाते हैं। क्या है, क्या हम बाजार जा रहे हैं, तो पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। हम के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, वी के साथ आर, तो आर। फिर क्या आएगा, हम की इंग्लिश वी, आर वी जाने की, गोइंग, तो आर वी गोइंग टू मार्केट। क्या हम बाज़ार जा रहे हैं, आर वी गोइंग टू मार्केट, क्या हम बाज़ार जा रहे हैं और क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, क्या बच्चे एक साथ खेल रहे हैं, क्या आर बच्चे, चिल्ड्रन, आर दे चिल्ड्रन, आर चिल्ड्रन एक साथ खेल रहे हैं, खेल रहे हैं मतलब प्ले और प्ले में आई एन जी, तो आर चिल्ड्रन प्लेइंग एक साथ टुगेदर, आर चिल्ड्रन प्लेइंग टुगेदर, क्या बच्चे एक साथ खेल रहे हैं। नेक्स्ट, मैं कहाँ जा रही हूँ, तो मैं, तो पहले इसकी इंग्लिश किसकी आएगी, कहाँ की, कहाँ की इंग्लिश क्या होती है, वेयर, डब्ल्यू एच ई आर ई, वेयर। फिर हेल्पिंग वर्ब आर, वेयर आर, अब आर नहीं आएगा यहाँ पर, क्या आएगा, आर नहीं आएगा, मे है, मे के साथ एम, तो वेयर आई एम, एम मैं, आई, वेयर एम आई जा रही हूँ, गोइंग, वेयर एम आई गोइंग क्वेश्चन मार्क, मैं कहाँ जा रही हूँ। तो इस तरीके से हम नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की हिंदी बना सकते हैं। पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें आई एन जी, और फिर जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को लगाकर फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। चलिए और सेंटेंसेस बनाते हैं। देखिए क्या लिखा है, तुम अपना काम कर रहे हो, तुम अपना काम कर रहे हो, ये कैसा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी, यू कर रहे हो, आर यू के साथ क्या आएगा, आर, यू आर डूइंग, तुम कर रहे हो, यू आर डूइंग, टू के साथ आई एन जी, यू आर डूइंग अपना काम, योर वर्क, तुम के लिए अपना की इंग्लिश क्या आएगी, योर, योर वर्क फुल स्टॉप। अब इसका ये तो हो गया पॉजिटिव सेंटेंस, अब इसका नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, यू आर नॉट, क्या किया हमने, हेल्पिंग वर्ब के बाद
नॉट लगा दिया, क्या लगा दिया, नॉट। तो यू आर नॉट डूइंग योर वर्क, तुम अपना काम नहीं कर रहे हो, हिंदी में क्या लग जाएगा, नहीं, और इंग्लिश कैसे बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट। तो यू आर नॉट डूइंग योर वर्क, तुम अपना काम नहीं कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट इंटरोगेटिव देखते हैं, इंटरोगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर। तो आर यू, क्या तुम अपना काम कर रहे हो, हमने इसमें क्या पूछा, प्रश्न पूछा, क्वेश्चन पूछा, क्या तुम अपना काम कर रहे हो और क्वेश्चन मार्क। तो आर यू डूइंग योर वर्क, क्या तुम अपना काम कर रहे हो और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वह डांस कर रही है, वह डांस कर रही है, तो वह की शी, कर रही है मतलब शी फीमेल है, तो शी अब कर रही है, तो शी इज डांसिंग, डांस में क्या लग जाएगा, ई हट के आई एन जी, तो डांसिंग, ठीक है। तो शी इज डांसिंग, वह डांस कर रही है या वह नाच रही है, ठीक है। कोई काम वो क्या कर रही है, नाच रही है, कंटिन्यूटी में चल रहा है ना, जब कोई काम जारी रहता है, जब कोई काम जारी रहता है तो ऐसे सेंटेंसेस में हम क्या लगाते हैं, कौन सा टेंस होता है ऐसे सेंटेंसेस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो शी इज डांसिंग, अब नेगेटिव बनाएंगे, तो शी इज नॉट डांसिंग, वह डांस नहीं कर रही है, वह नाच नहीं रही है, फुल स्टॉप, क्या लग जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, ओके। नाउ कम टू इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, ठीक है। इज शी डांसिंग, क्या वह नाच रही है, और क्वेश्चन मार्क, इज शी डांसिंग, क्या वह नाच रही है, ठीक है। नेक्स्ट हम एक और सेंटेंस बना सकते हैं जिसमें हमारा इंटरोगेटिव भी हो और नेगेटिव भी हो, जैसे क्या वह नाच नहीं रही है, क्या वह डांस नहीं कर रही है, तो क्या बनेगी इसकी इंग्लिश, इज शी, क्या बनेगी इंग्लिश, इज शी, पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट, फिर क्या आ जाएगा, नॉट, क्या, नॉट, इज शी नॉट, यहाँ पर हम नॉट नहीं लगाएंगे, इज नॉट नहीं लगाएंगे, पहले हेल्पिंग वर्ब फिर शी फिर नेगेटिव, जो भी हमें नॉट लगाना है वो, तो इज शी नॉट डांसिंग, क्या वह डांस नहीं कर रही है, क्या वह नाच नहीं रही है, तो इस तरीके से हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के मैंने आपको आज सारे सेंटेंस रिवाइज करा दिए, पॉजिटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव इंटरोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते समय एक बात का ध्यान रखना है, आपको इंटरोगेटिव मार्क लगाना नहीं भूलना है, क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है, ठीक है, क्योंकि अगर आप ये लगाना भूल जाएंगे तो इसके बिना आपका जो सेंटेंस है डैट इज इनकम्प्लीट, क्योंकि जब क्वेश्चन मार्क ही नहीं लगा तो हमें क्या पता कि वो कैसा सेंटेंस है, तो क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें, ठीक है। चलिए अब हम वर्कशीट 16 के जो सेंटेंसेस रह गए थे उनकी हिंदी बनाते हैं। चलिए अब आप सभी को इंटरोगेटिव सेंटेंसेस समझ में आ गए ना, तो हमारी वर्कशीट में जो सेंटेंसेस दे रखे हैं उन सेंटेंसेस को भी हम कर लेते हैं। पहला क्या है, आप देख रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब पहले आई है और सब्जेक्ट बाद में, तो क्या है पहला, आर दे ट्राइंग टू कोड द सीक्रेट मैसेज, और क्वेश्चन मार्क, तो आर दे, क्या वे ट्राइंग टू कोड, ट्राइंग टू कोड मतलब होता है कोशिश करना, तो क्या वे कोशिश कर रहे हैं, टू कोड संकेत बद्ध करने की, द सीक्रेट मैसेज, सीक्रेट मैसेज मतलब गुप्त संदेश को, तो क्या वे गुप्त संदेश को संकेत बद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं, और क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस, वर आर साइंटिस्ट कंबाइनिंग टू एलिमेंट्स,
आर साइंटिस्ट, इसमें भी आपने देखा आर पहले आया, हेल्पिंग वर्ब आगे आई और साइंटिस्ट बाद में, सब्जेक्ट बाद में आया, ठीक है। तो आर साइंटिस्ट कंबाइनिंग टू एलिमेंट्स, क्या वैज्ञानिक, कंबाइनिंग मतलब होता है संयोजित करना, तो क्या वैज्ञानिक संयोजित कर रहे हैं टू एलिमेंट्स, एलिमेंट्स मतलब होता है तत्व, तो क्या वैज्ञानिक दो तत्वों को संयोजित कर रहे हैं, क्या वैज्ञानिक दो तत्वों को संयोजित कर रहे हैं और क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस, इज द ब्रिज गोइंग टू कम डाउन वेरी सून, इज द ब्रिज, क्या पुल गोइंग टू कम, गोइंग मतलब जा रहा है, टू कम डाउन, कम डाउन मतलब होता है नीचे आना, तो क्या पुल नीचे आने वाला है या नीचे आने जा रहा है, वेरी सून जल्द, तो क्या पुल बहुत जल्दी नीचे आने जा रहा है। नेक्स्ट, आर लॉट्स ऑफ इंटरेस्टिंग बुक्स कमिंग आउट, क्या बहुत सी रोचक किताबें आ रही हैं, कमिंग आउट मतलब होता है आना, बाहर आना, आना किसी चीज़ का, तो आर लॉट्स ऑफ इंटरेस्टिंग बुक्स, आर मतलब क्या, लॉट्स ऑफ इंटरेस्टिंग बुक्स, बहुत सी रोचक किताबें कमिंग आउट आ रही हैं। नेक्स्ट और क्वेश्चन मार्क, आर यू एग्ज़ाम्स, आर योर एग्ज़ाम्स कमिंग अप दिस इन दिस मंथ, आर योर एग्ज़ाम्स कमिंग अप इन दिस मंथ, क्या तुम्हारी परीक्षाएं कमिंग अप आ रही हैं इन दिस मंथ, इस महीने में, क्या तुम्हारी परीक्षाएं इस महीने में आ रही हैं और क्वेश्चन मार्क। चलिए अब हम आगे के सेंटेंसेस देखते हैं, आगे के सेंटेंसेस में क्या है, व्हाट आर द लीडर्स कंसीलिंग फ्रॉम द पब्लिक, अब ये क्या आ गए हैं यहाँ पर, इंटरोगेटिव वर्ड्स, ठीक है। तो व्हाट आर द लीडर्स कंसीलिंग फ्रॉम द पब्लिक, व्हाट मीन्स होता है क्या, आर द लीडर्स तो क्या नेता, कंसीलिंग, कंसील मतलब होता है छिपाना, तो नेता क्या छिपा रहे हैं, अब यहाँ पर क्या की इंग्लिश, व्हाट की इंग्लिश पहले नहीं आएगी, क्या बीच में आएगी, ठीक है। तो नेता क्या छिपा रहे हैं फ्रॉम द पब्लिक, जनता से, तो नेता जनता से क्या छिपा रहे हैं, ठीक है। और क्वेश्चन मार्क, नेक्स्ट, व्हाई इज़ शी कंडक्टिंग हर ओन डिफेंस, व्हाई इज़ शी कंडक्टिंग मतलब वह क्यों कर रही है, हर ओन डिफेंस अपने संरक्षण का प्रबंध, वह अपने संरक्षण का प्रबंध क्यों कर रही है और क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, फॉर हाउ मैनी ईयर्स इज गवर्नमेंट कंजर्विंग रिवर वाटर, फॉर हाउ मैनी ईयर्स, फॉर हाउ मैनी ईयर्स मतलब कितने सालों से, इज गवर्नमेंट सरकार, कंजर्विंग मतलब होता है सुरक्षित करना, तो सरकार कितने का सालों से सुरक्षित कर रही है, क्या रिवर वाटर, रिवर वाटर मीन्स नदी के पानी को, सरकार कितने सालों से नदी के पानी को सुरक्षित कर रही है और क्वेश्चन हाँ, ठीक है। नेक्स्ट, विच कंपनी इज कंस्ट्रक्टिंग दीज डैम्स, विच कंपनी, विच कंपनी की हिंदी होगी कौन सी कंपनी, इस कंस्ट्रक्टिंग मतलब रचना कर रही है, दीज डैम्स इन बांधों की, तो कौन सी कंपनी इन बांधों की रचना कर रही है। वेयर आर यू गोइंग टू कंसल्ट अबाउट योर ट्रीटमेंट, तुम अपने इलाज के बारे में परामर्श लेने कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू मतलब तुम कहाँ जा रहे हो, टू कंसल्ट परामर्श लेने, अबाउट योर ट्रीटमेंट अपने इलाज के बारे में, तुम अपने इलाज के बारे में परामर्श लेने कहाँ जा रहे हो। तो आज आपको होमवर्क में 11 टू 20 सेंटेंसेस की हिंदी बनानी है। ओके एवरीवन, बाय बाय।